कर लेती हूँ। अच्छा इधर देखिएगा, पहला पेज तो छोड़ दें, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ कल्चर एंड एनआरसी, या इंट्रोड्यूस्ड ऑफ कल्चर एंड एनआरसी लिखा हुआ, वैसे ये इंट्रोडक्शन ऑफ कल्चर एंड एनआरसी है। मैथ्यू आर्नल्ड ने कल्चर एंड एनआरसी क्यों लिखा था, कल्चर क्या होता है और एनआरसी क्या होता है? आप लोगों ने, अगर किसी ने, आपके वैसे है कराची यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है मिल की ऑन लिबर्टी, उसने एक ऐसे लिखा था कि उसने आजादी ख्याल पे बात की थी कि हर इंसान को जो है ना आजादी ख्याल होनी चाहिए, यानी कि वो जो भी चीज हो वो एक्सप्रेस कर दे। मैथ्यू ने इस चीज को जो है निगेट कर दिया था। मैथ्यू ने कहा कि हर जो भी नेशन होती है उसका एक कल्चर होता है, और कल्चर जो है वो कुछ अगर तो रीजंस पे बेस्ड करता फिर तो ठीक है, लेकिन अगर हम ये कह दें कि हम अपनी मर्जी से जो चाहे मर्जी करें और जो चाहे मतलब जो हमारे हिसाब से ठीक है बस वही ठीक है, तो फिर दैट इज द एनआरसी। इसकी वजह से लोग जो है इस लिबरल थॉट की वजह से, इस लिबर्टी ऑफ जैसे कहना चाहिए ख्यालात की लिबर्टी की वजह से दुनिया में एक एनआरसी पैदा हो जाएगी, ठीक है। फिर वो एंड पे जाके ये भी बात करता है कि अगर तो जो जितनी भी इम्पीरियलिस्टिक नेशंस हैं, जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, अगर वो एक कल्चर को प्रमोट करते हैं तो फिर वो क्यों जो है दूसरे ममालिक में जाके रेड्स करते हैं, फिर क्यों बाकी ममालिक में इतनी ज्यादा जो है वो हो रहे हैं, मतलब दूसरे ममालिक में क्यों इतने ज्यादा ये लोग जाके और उस पर रेड्स करते हैं, उनको कॉलोनाइज कर लेते हैं, यहाँ या आयरलैंड है उसके ऊपर क्यों इतनी ज्यादा किलिंग्स हो रही हैं? तो अगर तो ये कल्चर को ही प्रमोट करना है और मतलब वो ये कहते हैं कि एनआरसी ये कि डू एज वन लाइक, कि जो जैसा मर्जी करे और उसको फ्रीडम दे दी जाए, तो फिर क्या होगा कि दुनिया के अंदर डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, फिर एनआरसी ही एनआरसी होगी, फिर कल्चर नहीं होगा, ठीक है। दैट इज बेसिकली कल्चर एंड एनआरसी। वो कहते हैं कल्चर जो है वो कुछ रूल्स पे बेस करता है, कुछ जो है रीजंस पे बेस करता है, कुछ लॉजिक पे बेस करता है, फिर तो वो एक कल्चर है। और एक जो कल्चर होता है, एक स्ट्रॉन्ग कल्चर होता है, उसकी वजह से एक मुआशरे के अंदर, एक सोसाइटी के अंदर पीस पैदा होता है। लेकिन जब उसी कल्चर के अंदर लोग अपनी मनमानी करना शुरू कर देते हैं तो एक एनआरसी की सूरत पैदा होती है। एनआरसी मीन के मतलब एक नफसा नफसी का दौर हो जाता है, या कत्लो गारत शुरू हो जाती है, या उस सोसाइटी की डिस्ट्रक्शन शुरू होती है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड एनआरसी। अब इसके अंदर उसने डिफरेंट सिक्स जो है, उसमें कल्चर एंड एनआरसी की ये जो बुक है उसमें हम देखते हैं कि उसने किस तरीके से ये जो है कल्चर एंड एनआरसी लिखी थी। कल्चर एंड एनआरसी इज अ नोटोरियस फिलोसॉफिकल वर्क written by celebrated Victorian poet and critic Matthew Arnold. This essay was first published in Cornhill magazine during 1867-68. Its full name is Culture and Anarchy, an essay in political and social criticism. Iska jo pura naam hai is essay ka, Culture and Anarchy, an essay in political and social criticism. Ye wo essay hai jo political aur social criticism pe likha gaya. Next slide hai. The essay in the chapter, in the chapter, ठीक है, this essay in chapter. अब इस essay को 6 chapters के अंदर divide किया गया है. Chapter 1 है sweetness and light. Chapter 2 doing as one like. Chapter 3 barbarian Palestine populace. Chapter 4 Hebraism Hellenism. ठीक है, Hebraism और Hellenism. और नेक्स्ट टू मैं चैप्टर के नाम बताने से पहले आपको एक चीज बता दूं, कराची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट मतलब जो इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं वो है डूइंग एज वन लाइक और हेब्राइज्म हेलेनिज्म, ठीक है। बाकी ओवरऑल एक क्वेश्चन आता है कि कल्चर एंड एनआरकी की एक क्रिटिकल अप्रिसिएशन, या मैथ्यू आर्नल्ड का क्या व्यू है कल्चर और एनआरकी के बारे में, तो उसमें हमें इन 6 चैप्टर्स की एक क्रिटिकल अप्रिसिएशन लिखनी होती है। नेक्स्ट स्लाइड नंबर 4, जनरल मीनिंग ऑफ कल्चर। कल्चर की जनरल मीनिंग्स क्या है? इन लैटिन कल्चर हैड अ रेंज ऑफ मीनिंग्स, इनहैबिट, कल्टीवेट, प्रोटेक्ट, ऑनर विद वर्शिप एक्सेट्रा। लेटर ऑन कल्चर बिगेन इट्स कॉम्प्लिकेट मॉडर्न हिस्ट्री एक्सेट्रा। कल्चर वॉज अ न्यू सोशल एंड इंटेलेक्चुअल
मोमेंट, ये नीचे लिखा हुआ कल्टिवेशन सिविलाइजेशन कल्टिवेटेड, ये कल्टिवेशन सिविलाइजेशन और कल्टिवेटेड, ये तीनों मिला के एक कल्चर को फॉर्म करते हैं. नेक्स्ट, Arnold's view on culture. Arnold क्या कहता है culture के बारे में? According to his view, he says that culture is a study of perfection. Culture की definition आपको याद करनी पड़ेगी. वो कहता है culture जो है वो एक study of perfection है. Culture is the process, means it is always going on. Culture एक ऐसा process है जिसका मतलब ये है कि हमेशा चलता ही चला आ रहा है. And also it is not static, but it is changeable. और culture कभी भी static नहीं रहता, ये चेंज होता रहता है. इट इज स्टडी ऑफ सोशल एंड मॉरल परफेक्शन, और ये स्टडी है सोशल और मॉरल परफेक्शन की. एंड Arnold says that culture is an internal thing. Arnold ये भी कहता है कि कल्चर जो है वो एक इंटरनल थिंग है. एज पावर ऑफ गॉड रिमेन्स विद इन, सिमिलरली कल्चर ऑल्सो रिमेन्स विद इन. ठीक है, ये अंदर की एक इंटरनल थिंग है. जैसे खुदाई पावर जो है वो अंदर ही रहती है, इसी तरीके से कल्चर भी हमेशा अंदर ही रहता है. Arnold classified English society. अब किस तरह से वो classify करता है English society को? Number एक, barbarians में, जिसको हम aristocracy कहते हैं. Aristocratic, उसने barbarians को aristocracy का क्यों कहा, ये मैं आपको फिर बताती हूँ. फिर वो कहता है Philistines, middle class, populace, working class. ठीक है, अब वो कहता है कि अगर एक, पहले तो उसने इस society को classify किया, aristocracy को उसने barbarians कहा. Barbarians कहते हैं ऐसे लोग जो जानवरों की तरह बिहेव करते हैं, वैश्य लोग. अब आप ये देखें कि दुनिया में जितनी भी क्रुएलिटी है वो पावर की वजह से. ठीक है, जिसके पास जितना पैसा है वो उतना ही पावरफुल है, और उस पावर की वजह से वो करप्ट हो जाता है. जैसे मैंने आपको एक कोट लिखवाई थी कि पावर करप्ट्स अ मैन एंड एब्सोल्यूट पावर एब्सोल्यूटली, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली. उसके बाद वो फिलिस्टाइन मिडिल क्लास को कहता है, उसके बाद वो पॉपुलेस कहता है जो बिल्कुल वर्किंग क्लास है, जो कि सबसे पुअर जो होते हैं वो. अब वो कहता है कि अगर इन तीनों में से किसी को भी एक मुल्क की, वो कहता है स्टेट का कंट्रोल किसको देना चाहिए इन तीनों में से, तो वो कहता है कि बारबेरियंस को देना चाहिए, पैलेस्टाइन्स को देना चाहिए, या मिडल वर्किंग क्लास को, पॉपुलेस को देना चाहिए. लेट्स सी के आगे जाके जब हम डिटेल पढ़ेंगे कि इसके अंदर वो क्या. फिर वो कहता है, यहाँ पे गुजराती कोई फेमस कोट लिखी हुई है, आगे है, अब बारबेरियन पैलेस्टाइन्स और पॉपुलेस हैं क्या? कॉमन थिंग्स ऑफ ऑल क्लासेस. बारबेरियंस क्या है? फ्री माइंडेड है, जो कि एरिस्टोक्रेटिक क्लास है, लिबर्टी है उनके अंदर, रिच होते हैं, फैशनेबल होते हैं, फ्री टू लिव, थिंक, हाई थिंकिंग होती है, लुकिंग गुड, मोर सिविलाइज्ड. ठीक है, दिखने में अच्छे होते हैं, मोर सिविलाइज्ड भी होते हैं. फिलिस्टाइन्स कैसे होते हैं? फिलिस्टाइन्स सॉरी, मनी मेकर्स होते हैं, क्योंकि मिडिल क्लास होती है, कमर्स, आइडिया अबाउट बिजनेस, इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियलिस्ट, टी मेकिंग. ठीक है, अब क्या होता है, ये क्योंकि बिजनेस क्लास से ताल्लुक रखते हैं, मनी मेकर्स होते हैं, कमर्स, कॉमर्स, आइडिया अबाउट बिजनेस, और ये सारी चीजें इनके अंदर होती हैं. पॉपुलेस के अंदर क्या होता है? जो कि वर्किंग क्लास होती है, जो लोअर पुअर क्लास होती है, वो क्या करते हैं? वो हार्ड वर्कर्स होते हैं, लेकिन वो नैरो माइंडेड होते हैं. गुर्बत की वजह से वो नैरो माइंडेड हो जाते हैं, वो बैड एक्टिविटीज में पड़े होते हैं, पॉवर्टी में होते हैं, स्लम एरिया, ऑर्थोडॉक्सी यानी कि पुराने ख्यालात के मालिक होते हैं, फर्मनेस. अब इन तीनों क्लासेस में कॉमन थिंग क्या है? वो है लव, फीलिंग, रिस्पेक्ट, डिजायर, ड्रीम्स और हैप्पीनेस. ये चीजें हैं जो इन तीनों क्लासेस में कॉमन है, लेकिन यहाँ पे जितनी भी चीजें यहाँ पे नजर आ रही हैं आपको, वो इसमें कॉमन ऊपर वाले सेक्शन में नहीं है. नीचे जो एरोस के साथ आपको नीचे नजर आ रहा है, दीज आर द कॉमन थिंग्स. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. फिर वो कहता है, ये तो हो गए थ्री क्लासेस वो जो आपको एसे के अंदर बताता है. फिर वो आपको नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, जो कि हमारा थर्ड चैप्टर है, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, और जो बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, वो है व्यू ऑफ हेबरिज्म और हेलेनिज्म. ठीक है, हेलेनिज्म क्या होती है और जो है हेबरिज्म क्या होती है. हेबरिज्म कहते हैं स्पिरिट ऑफ थॉट को, स्पिरिट ऑफ बाइबल यानी कि आपके रिलीजियस जो थॉट है उसको कहते हैं हेबरिज्म. Narrow mindedness, religious thought only for God, follow the biblical ideas. इसको हम कहेंगे Hebraism. Hellenism क्या होता है? Spirit of mind, यानी कि कुछ करने की जुस्तजू. वैसे Hellenism जो है ये Greek word है, Hellenism, और इसे कहते हैं Greek में art,
मतलब इसमें लव फॉर ग्रीक आर्ट, तो ग्रीक आर्ट जो है उसके अंदर ब्यूटी बहुत ज्यादा थी, इस वजह से जो भी एक आर्टिस्ट होता है वो उसके अंदर एक प्लेजर सीख करता है, ठीक है। तो स्पिरिट ऑफ माइंड, स्पिरिट ऑफ ग्रीक, ओपन माइंडेड, नॉलेज, दो विद प्रैक्टिकल, फॉलो द प्लेटोनिक आइडिया। अब वो आपको इस चैप्टर के अंदर, जो इसका थर्ड चैप्टर है, उसके अंदर वो हेबरिज्म और हेलेनिज्म का कॉन्सेप्ट देगा। फिर वो आपको बताएगा कि रादर ओनली हेबरिज्म इज इम्पोर्टेंट टू फॉर अ स्ट्रॉन्ग कल्चर और हेलेनिज्म इज इम्पोर्टेंट फॉर अ स्ट्रॉन्ग कल्चर, ठीक है। कल्चर को बनाने के लिए या उसको एनार्की से बचाने के लिए क्या ये दोनों चीजें जरूरी हैं, या उनमें से एक चीज जरूरी है, या एक चीज 50% चाहिए तो दूसरी चीज 30% चाहिए। लेट्स सी इन आवर नेक्स्ट समरी। अच्छा, नीचे एक कोट है मैथ्यू आर्नल्ड ने दी है, द गवर्निंग आइडिया ऑफ हेलेनिज्म इज स्पॉन्टेनिटी ऑफ कॉन्शियसनेस। वो कहते हैं ये जो गवर्निंग आइडिया है ना हेलेनिज्म का, वो क्या है, वो स्पॉन्टेनिटी ऑफ कॉन्शियसनेस है, दैट ऑफ हेबरिज्म स्टिकनेस ऑफ कॉन्साइंस, ठीक है। अब वो कहता है कि हेलेनिज्म जो है वो स्पॉन्टेनिटी ऑफ कॉन्शियसनेस है, यानी कि आपकी कॉन्शियसनेस की का फ्लो जो है उसको हम कहेंगे कि वो हेलेनिज्म है। लेकिन हेबरिज्म क्या है, स्ट्रिक्टनेस ऑफ कॉन्साइंस, आप जमीर के साथ कि आप अल्लाह के सामने जवाब दे हैं, आप उसके साथ टोटली स्ट्रिक्ट रहते हैं, एंड यू आर स्ट्रिक्ट टू रिलीजियस बिलीव्स, एंड यू आर स्ट्रिक्ट टू गॉड, यू आर स्ट्रिक्ट टू स्पिरिट ऑफ बाइबल, ठीक है। दीज आर द थिंग जो मैथ्यू आर्नल्ड ने इस हेब्रिज्म और हेलेनिज्म के बारे में बताई थी। नेक्स्ट, हेलेनिज्म कीप्स एम्फेसिस ऑन नोइंग थिंग, ठीक है। हेलेनिज्म क्यों, क्या है, दैट इज द लव फॉर ग्रीक ब्यूटी। तो हेलेनिज्म जो है वो एम्फेसिस करता है कि आप नोइंग थिंग, यानी कि आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है कि आप चीजों को जाने, उसका नॉलेज हासिल करें, आगे से आगे बढ़े। और हेब्रिज्म पुट वेट ऑन डूइंग द थिंग्स, अमल पे बेस करता है, ठीक है। डूइंग द थिंग्स यानी कि अमल पे बेस करता है, और हेलेनिज्म जो है वो नॉलेज पे बेस करता है कि आप इल्म हासिल करें, और हेब्रिज्म अमल, ठीक है। इल्म और अमल दोनों चीजें डिफरेंट चीजों को, डिफरेंट एस्पेक्ट्स को शो कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं हेलेनिज्म एंड हेब्रिज्म बोथ आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ह्यूमन लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग, हमारी जिंदगियों के साथ कनेक्टेड है। हेलेनिज्म कीप्स एम्फेसिस नोइंग और नॉलेज, वेयर हेब्रिज्म फास्टन्स इट्स फेथ इन डूइंग, ठीक है। हेलेनिज्म जो है वो नॉलेज और नोइंग यानी कि इल्म हासिल करने के ऊपर एम्फेसिस करती है, जबकि हेब्रिज्म जो है वो कहती है कि आप अपने फेथ के साथ फास्टन रहे, बाउंड रहे इन डूइंग, यानी कि अमल में, अमल में अगर आपने कोई चीज फॉलो करनी है तो आप फेथ को फॉलो करें, ठीक है। दैट इज नोन एज हेबरिज्म। ही टॉक्स अबाउट द ग्रेट आइडिया टू नो एंड ग्रेट एनर्जी टू एक्ट, बोथ आर मोस्ट पोटेंट फोर्सेस एंड दे फोर्सेस दे शुड बी इन हार्मनी बाय द लाइट ऑफ रीजन, सो दे आर कॉल्ड हेबरिज्म एंड हेलेनिज्म। द सुप्रीम आइडिया विद द हेलेनिज्म ऑफ द ग्रेट स्पिरिट इज टू See things as they really are. अब वो क्या कहता है कि ये जो talk है about the great idea to know and great energy to act. अभी हमने क्या पढ़ा? Hellenism और Hebraism में एक idea है to know, यानी कि knowledge, और दूसरा है to act. ठीक है, यानी कि Hebraism. और Hellenism क्या कहती है? To know. अब ये दोनों जो है important forces हैं, and they forces they should be in harmony. इन दोनों का एक तवाजुन होना बहुत जरूरी है बाय द लाइट ऑफ रीजन, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था एक कल्चर को स्टेबल करने के लिए, एनार्की से बचाने के लिए, डिस्ट्रक्शन से बचाने के लिए लाइट ऑफ रीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। लॉजिक एंड रीजन पे बेस होनी चाहिए, फिर आप उसके अंदर एक हार्मनी भी पैदा कर सकते हैं। सो दे आर कॉल्ड हेबरिज्म एंड हेलेनिज्म। द सुप्रीम आइडिया विद द हेलेनिज्म ऑफ स्पिरिट इज टू सी थिंग्स एज दे रियली आर। और ये जो सुप्रीम आइडिया है हेलेनिज्म का ऑफ ग्रीक स्पिरिट, ये क्या है, टू सी थिंग्स एज दे रियली आर, कि आप चीजों को ऐसे देखें जैसे वो हकीकत में है, यानी कि हकीकत की नजर से आप उनको देखें। एंड सुप्रीम आइडिया ऑफ हेबरिज्म द स्प्राइट ऑफ बाइबल इज कंडक्ट एंड ऑबीडियंस। और जो सुप्रीम आइडिया ऑफ हेबरिज्म है वो क्या है, द स्प्राइट ऑफ बाइबल, ठीक है।
ठीक है, द स्पिरिट ऑफ बाइबल, और वो क्या है, इस कंडक्ट एंड ओबीडियंस, कि आप बाइबल पे अमल करें और ओबीडियंस यानी कि अल्लाह ताला की जो है अदब करें, एहतराम करें, अटाट करें. द पॉइंट आउट दैट द ग्रीक फिलोसफी कंसीडर्ड दैट बॉडी एंड इट्स डिजायर आर अ वीकनेस टू राइट थिंकिंग. सॉरी, यहाँ पे एन लिखा हुआ, इस ये एन नहीं यहाँ पे आएगा. और पॉइंट, द पॉइंट आउट दैट ग्रीक फिलोसफी कंसीडर, और द पॉइंट इज यहाँ पे पॉइंट आउट लिखा हुआ, द पॉइंट इज दैट ग्रीक फिलोसफी कंसीडर, कि ग्रीक फिलोसफी ये कंसीडर करती है कि बॉडी और उसकी जो डिजायर हैं आर वीकनेस टू राइट थिंकिंग. इंसान की बॉडी और उसकी डिजायर जो है वो वीकन करती हैं टू राइट थिंकिंग. सही, यहाँ वीकनेस लिखा हुआ, वीकनेस टू राइट थिंकिंग या वीकन्स द राइट थिंकिंग. ठीक है, ये चीजें जो है वीकन करती हैं राइट थिंकिंग को. वेयर एज हेबरिज्म कंसीडर दैट बॉडी एंड डिजायर्स आर एन ऑब्स्टेकल टू राइट, जबकि हेबरिज्म में यानी कि अगर फेथ के हिसाब से देखा जाए तो बॉडी और उसकी डिजायर जो है वो क्या है, एन ऑब्स्टेकल टू राइट. ठीक है, आप ग्रीक अगर फिलोसफी कंसीडर करें तो बॉडी और उसकी जो डिजायर है वो इंसान को सही फैसला करने पे, सही सोच पे कायम रहने में कमजोर कर देती हैं, जबकि अगर आपके अंदर ईमान है, आपके अंदर फेथ की ताकत है, आपके अंदर हैबरिज्म है, तो फिर क्या होगा, आपकी बॉडी और उसकी डिजायर क्या होगी, आर एन ऑब्स्टेकल, एक ऑब्स्टेकल होगी, एक ऑब्जेक्ट होगी टू राइट, कि वो सिर्फ सीधी राह पे ही चलेगा. अच्छा, उसके बाद है एनार्की. एनार्की क्या होती है, ये तो अभी हमने कल्चर के बारे में पढ़ा. एनार्की क्या होगी, Anarchy means utopian societies of individuals who enjoy complete freedom without government. Anarchy का मतलब ये है, एक utopian society, एक जो है utopian किसे कहते हैं, perfect society of individual जो कि complete freedom enjoy करे without government, यानी कि no law, no rules हो और लोग जो है उनको आजादी मिल जाए बस. That term anarchy refers to a society without a publicly enforced government, कि कोई एनफोर्स गवर्नमेंट ना हो और वायलेंटली एनफोर्स पॉलिटिकल अथॉरिटी और ना कोई एनफोर्स पॉलिटिकल अथॉरिटी हो. व्हेन वी यूज इन दिस सेंस एनार्की मे और मे नॉट बी इंटेंडेड टू इम्प्लाई पॉलिटिकल डिसऑर्डर्स और लॉलेसनेस. और जब हम ये देखते हैं कि वी यूज इन दिस सेंस कि एनार्की मे और मे नॉट बी इंटेंड टू इम्प्लाई पॉलिटिकल डिसऑर्डर, कि शायद वो फिर इम्प्लाई करती है, इम्प्लाई कर भी सकती है और नहीं भी इम्प्लाई कर सकती, डिसऑर्डर और लॉलेसनेस. ठीक है, अगर इस तरह ये जो एनार्की है जैसे फ्रीडम ऑफ थॉट कह दिया गया है या ये कहा जाता है कि कोई लॉ एंड रूल नहीं होना चाहिए तो उससे क्या होगा, तो हो भी सकता है कि डिसऑर्डर और लॉलेसनेस जो है वो इम्प्लाई हो और नहीं भी हो सकता, यानी कि लॉज एंड रूल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज कल्चर जो है वो तबाह होकर रह जाएगा. Arnold in this chapter he talks of wants of freedom and this freedom is sung very much by Englishmen but yet they never thought about end of freedom from which is to be desired. इस चैप्टर के अंदर Arnold जो है इंसान की फ्रीडम की बात करता है और ये फ्रीडम जो है, ये स्लोगन जो है इंग्लिशमैन ने जो है आजाद किया है, कि हम कहते हैं ना बोल के लव आजाद है तेरे, ऐसे ही है कि जी फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ आपके व्यूज होना चाहिए, बट येट दे नेवर थॉट अबाउट एंड ऑफ सच फ्रीडम. लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि इस फ्रीडम का एंड क्या होगा. अगर मैं हर चीज ही बोलना शुरू कर दूंगी तो फिर उसका एंड क्या होगा, लड़ाई हो जाएंगी, झगड़े हो जाएंगे. फॉर विच इज टू बी डिजायर्ड. Arnold accepted the idea of personal freedom. Arnold ये तो accept करता है कि एक इंसान को personal freedom होनी चाहिए, but it tells about complete freedom. लेकिन वो बताता है एक complete freedom के बारे में. Arnold thinks in this way. It is the most happy and important thing for a man merely to be able to do as he likes. But the problem is on what he is to do, what he is. Thus free to do as he likes, we do not lay so much stress. वो कहते हैं it is the most happy and important thing for man. कि ये most happy और important thing है एक इंसान के लिए कि merely to be able to do as he likes. कि
इंसान मैं मतलब मैं जो चाहती हूँ मैं वैसे करूँ, मेरे लिए सबसे अच्छी और इम्पोर्टेंट चीज यही हो, ठीक है, एज टू डू एज ही लाइक्स. बट द प्रॉब्लम इज ऑन व्हाट ही इज टू डू व्हेन ही डज फ्री टू डू एज ही लाइक्स. वी डू नॉट ले सो मच स्ट्रेस. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऑन व्हाट ही इज टू डू, उसको करना क्या चाहिए, व्हाट ही इज डज फ्री टू डू एज, और वो उसकी लिमिट्स क्या है कि किस हद तक उसको फ्री होना चाहिए एज ही लाइक्स, जितना वो पसंद करता है. वी डू नॉट ले सो मच स्ट्रेस, तो हम इतना ज्यादा अपने आप को फ्री नहीं छोड़ सकते. अब यहाँ पे नीचे आप देखें एक छोटा सा चार्ट बना हुआ है, एक जब एक साइड पे लिखा हुआ है लेफ्ट साइड पे लॉ एंड फोर्सेस, दरमियान में देखें दूसरी तरफ लिखा हुआ है क्रिमिनल, ठीक है. अब दरमियान में लिखा उसके ऊपर देखें लॉ है, क्राइम है, और सबसे ऊपर देखें टॉप पे करप्टेड कॉप्स है. क्रिमिनल क्राइम करेगा और नीचे देखें अगर लॉ नहीं होगा तो फिर क्या होगा, तो नॉट लॉ, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, रॉबिनहुड, नीचे रॉबिनहुड लिखा हुआ है, ठीक है. तो और इसी तरह नॉट लॉ नॉट क्राइम, तो क्रिमिनल्स क्या होंगे, वो क्राइम करेंगे किस सूरत में, जब कोई लॉ नहीं होगा, तो फिर वो क्या बन जाएंगे, करप्टेड कॉप्स. अब अगर वो दूसरी तरफ लॉ एनफोर्समेंट जो है वो लॉ को शो कर रही है और नीचे देखें नॉट क्राइम, तो एक रॉबिनहुड बन जाता है, ठीक है, कि वो अगर नहीं क्राइम करेगा तो वो एक रॉबिन हुड बन जाएगा, और रॉबिन हुड अगर वो लॉ को फॉलो नहीं करता नॉट लॉ तो वो क्रिमिनल बन जाता, और क्रिमिनल क्या करता, फिर क्राइम करता कि सूरत में जब लॉ नहीं होता, और इस तरह से ये पूरा मुआशरा करप्ट हो जाता है, करप्टेड कोर्ट. तो एक तरफ लॉ एनफोर्समेंट है, दूसरी तरफ क्रिमिनल्स हैं. तो आप देख लें कि जब लॉ नहीं होगा तो एक रॉबिन हुड जो कि बहुत अच्छे काम करता है, अगर वो लॉ नहीं होगा तो वो भी क्रिमिनल ही बन जाएगा, और लॉ ना होने की सूरत में वो भी क्राइम ही करेगा बाकी जब सब लोग क्राइम करेंगे, तो इस तरह से एनार्की फैल जाएगी, ठीक है. आगे देखते हैं नॉट अथॉरिटी और रूल. अब वो कहता है अगर ना तो कोई अथॉरिटी और ना रूल हो फिर क्या होगा, विदाउट रूल्स टाइम वेस्टेज होगी, आर्गुमेंटेशन होगी, बहस होगी, ठीक है, हम हर चीज पे बहस करेंगे, मैं कहूंगी मैं ठीक है, आप कहोगी आप ठीक है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, उससे क्या होता है, एक लड़ाई हो जाती है. हम एक चीज के ऊपर जब बाउंड नहीं होते ना, एक रूल के ऊपर बाउंड नहीं होते, तो फाइनली क्या होता है, हम बहस में पड़ जाते हैं, आर्गुमेंटेशन होती है, डी आर्गुमेंटेशन होती है, उसके नतीजे में क्या होता है, लड़ाइयां हो जाती है, डिस्प्यूट्स होते हैं, ठीक है, कौमें तबाह होती है. फिर वो कहते हैं विदाउट रूल देयर इज नो शेप. रूल्स के नीचे देखिएगा डिसीजंस होते हैं, स्ट्रक्चर बनता है, लीडरशिप होती है, और टाइम्ड एजेंडा, एक टाइम्ड एजेंडा होता है जिसके तहत आप काम करते हैं. यानी कि किसी भी सोसाइटी को रन करने के लिए अथॉरिटी और रूल का होना बहुत जरूरी है. हम इसको फुल ऑफ फ्रीडम नहीं छोड़ सकते, हर सोसाइटी को हम फ्रीडम में नहीं छोड़ सकते. नेक्स्ट कंक्लूड करते हैं इन द एसे मैथ्यू आर्नल्ड categorizes six different terms with such culture, anarchy, sweetness, light Hellenism and Hebraism. So with the help of these different terms he has described his view on culture, in which he also says that culture and anarchy both are different things, and at last he also explains the different terms like Hellenism and Hebraism. Is essay ke andar Matthew Arnold six cheezon ko, six different terms ko कैटेगराइज कर रहा है. नंबर वन कल्चर, नंबर टू एनार्की, ठीक है, कल्चर एनार्की, फिर वो स्वीटनेस को, नंबर वन उसका जो चैप्टर था, फिर उसका लाइट, और फिर हेलेनिज्म एंड हेबरिज्म. सो और इन डिफरेंट टर्म्स के जरिए वो अपना व्यू आपको बताता है कल्चर के ऊपर, जिसको वो कल्चर और एनार्की भी कहता है, एंड बोथ आर डिफरेंट थिंग. और वो ये भी कहता है कि दोनों चीजें, कल्चर और एनार्की, दोनों डिफरेंट चीजें हैं. And at last he also explained different terms like Hellenism and Hebraism, or wo different terms like Hellenism or Hebraism jo hai wo use karta hai, and many many thanks sunne ka. Achha.